हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा ईओक्यू, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें, तो ये आपका किसी इससे कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या आपका एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर आप एनवीएस या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप अगर नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डीप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको आप ईओक्यू के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉस्ट की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो वहां पर ये टर्म बहुत ही यूज होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक वॉल्यूम है, या फिर हम एक क्वांटिटी कह सकते हैं उस मटेरियल की, जिसके अंदर जो भी कॉस्ट अराइज होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, या इन्वेंट्री जो हम स्टोर करते हैं अपने वेयर हाउस में, उसमें जो भी कॉस्ट लगती है उसको ओवरऑल मिनिमाइज करना ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। इट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो भी हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है, कोशिश की जाती है कि ये मिनिमाइज करके रखी जाए, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगी इन्वेंट्री कॉस्ट, तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन की तरह काम करेगी और इससे हमारा लॉस भी होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में तीन टाइप्स की इन्वेंट्री को यूज किया जाता है, या फिर वो एग्जिट होती है। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सेकंड है ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड है कैरिंग कॉस्ट, जिसको आप होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट किस तरह से इनकर होती है। अगर हम इसको डीपली बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होती हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट है हमारी कॉस्ट ऑफ रिक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ रिक्विजिशन वो कॉस्ट होती है जो कि हमारे जब हम किसी प्रोडक्ट की हमें नीड होती है, तो उस टाइम हम उस प्रोडक्ट की एनालाइज करते हैं। तो उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने में कि वो उसकी हमारे पास कितनी नीड है, हमें उस प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है, हम एनालाइज कर रहे हैं इस चीज को। तो उस प्रोसेस को जब हम वो पूरी प्रोसेस को एनालाइज करेंगे कि कितनी हमें इसकी जरूरत है, उस पूरी एनालाइजिंग जो कॉस्ट अराइज होगी वो हम कॉस्ट ऑफ रिक्विजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, जब हम किसी भी कॉस्ट को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट सप्लायर्स के पास जाते हैं, वेंडर्स के पास जाते हैं, और उनसे पूछते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्रोडक्ट है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी आएगी, और कितना प्राइस है, कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें जो भी एक्सपेंस लगते हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होती है। थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ टेंडरिंग। कॉस्ट ऑफ टेंडरिंग वो कॉस्ट होती है जब हम किसी भी तरह का कोई भी टेंडर प्रिपेयर करते हैं, जब हम किसी भी मटेरियल का कोटेशन के लिए टेंडर एक प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास, आपने देखा होगा जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को करवाते हैं, तो उससे पहले टेंडर पास होता है, तो उस टेंडर को प्रिपेयर करने में जो भी हमारी कॉस्ट अराइज होती है वो कॉस्ट ऑफ टेंडरिंग कहलाती है। फोर्थ है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर को प्लेस करते हैं, तो वहां पर हमारी जो प्रोडक्ट पर जो कॉस्ट लगती है, या मटेरियल को प्लेस करने में जो भी कॉस्ट लगती है, जैसे कि इसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, इंश्योरेंस है, मतलब गोडाउन तक पहुंचाने तक जो भी हमारी कॉस्ट अराइज होगी उस प्रोडक्ट पर, यानी जो भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है उसको गोडाउन तक पहुंचाने में जो भी हमारी कॉस्ट अराइज हो रही है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट आती है जो कि फिफ्थ नंबर है, वो है कॉस्ट ऑफ अपलोडिंग अनलोडिंग। कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग एंड कार्टिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम किसी भी प्रोडक्ट को अनलोड करते हैं या फिर कार्टेज पर लोड करवाते हैं, तो कार्टेज पर लोड करवाने में जो हमारी कॉस्ट अराइज होती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग एंड कार्टेज कहलाती है। नेक्स्ट आता है सिक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। जब हम मटेरियल का इंस्पेक्शन करवाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, या फिर जो हमने प्रोडक्ट रियल में मंगाया था वही प्रोडक्ट है या नहीं,
कलर कैसा है इसका, क्वांटिटी क्या उतनी है या नहीं, तो इंस्पेक्शन करवाते हैं। तो देखिए, इंस्पेक्शन करवाओगे तो आप एक इंस्पेक्शन ऑफिसर हायर करोगे या फिर एक एजेंट हायर करोगे, तो आपको उसको सैलरी देनी होगी, ठीक है। और साथ में आपको इंस्ट्रूमेंट भी यूज करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिससे आप इजिली चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट में मिलावट है या नहीं। तो इन सारी चीजों को एनालाइज करने में, प्रोसेस करने में जो भी आपकी कॉस्ट इनकर होगी, वो कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन के अंदर आती है। नेक्स्ट है 7 नंबर पे, वो है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, देखिए, जब हम गोडाउन में किसी प्रोडक्ट को स्टोरेज करवाएंगे, तो वहां पर आप उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट के लिए केमिकल भी यूज करोगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि खराब होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर आप क्या करोगे, उस पर वो केमिकल का यूज करोगे, जिससे कि आपके प्रोडक्ट खराब ना हो। और अगर वो आइस कोल्ड है, आपका जो गोडाउन है वो पूरा, कहते हैं कि वहां पर अगर आपने किसी एजेंट को भी हायर करोगे जिससे कि वो वहां पर देखे, जिसको हम बोलते हैं वॉचमैन, तो आप वॉचमैन हायर किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपको जो भी आपकी स्टोरेज है उसको सेफली या फिर प्रोटेक्ट कर रही हैं, कि वो चोरी ना हो जाए या फिर किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो जाए, आपको किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो जाए। तो ये सारी चीजें किसके लिए आ रही हैं, स्टोरेज के लिए। तो ये हमारी स्टोरेज कॉस्ट कहलाती है, जो कि ये जितनी भी कॉस्ट थी सारी वो हमारी उस कॉस्ट में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं ये यहाँ पर बहुत सारे लोग कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, कुछ होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, तो दोनों ही सेम है। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर भी डिफरेंट कॉस्ट होती है जिसको इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट आती है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग में, कि जब तक आप उसको होल्ड करोगे, यानी गोडाउन का रेंट दोगे, वेयर हाउस का रेंट दोगे, ये सारे जो रेंट आएंगे वो हमारे होल्डिंग एंड कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन द गोडाउन, बट इन केस ऑफ ओन गोडाउन डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज। इट मीन्स, देखिए, जब हम किसी भी ईओक्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो आपको क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, जो कि अभी हमने ऊपर जितनी भी कॉस्ट पड़ी थी वो सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती है। सेकेंड, आपको क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट। तो ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सारी कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगी। तो अगर एग्जाम में आपके डिफरेंट कॉस्ट आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होने हैं और कौन से एक्सपेंसेस ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होने हैं। तो हम यहाँ पर इसी बात का डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट था हमारा इंश्योरेंस। तो देखिए, हमने अभी गोडाउन की बात की थी, आप यहाँ पर रेंट दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है, जिसको अगर किसी भी तरह का कोई भी डैमेज हो गया, तो उसको लॉस को बियर करना बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इतना सारा माल होता है, अगर किसी भी तरह का डैमेज हो गया तो कितना लॉस होगा। तो इन लॉस को रिमूव करने के लिए या फिर इससे अपने आप इसको अवॉइड करने के लिए आप इंश्योरेंस कराते हो, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी दिया जाता है वो आपका कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। और अगर आप खुद का कोई गोडाउन है, तो गोडाउन खुद का है तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। आपने देखा होगा कि फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगती है बिल्डिंग पे, तो यहाँ भी आपके गोडाउन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो वो भी कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट हमारा सैलरी ऑफ वेज टू द गार्ड। अब आप किसी भी उसको एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो, तो आप वहां पर उसको सैलरी दोगे। फ्रेंड्स, जो भी सैलरी है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में नहीं आएगी, वो कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगी। तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा, जो भी अगर सैलरी या फिर किसी भी तरह की वेजेस दी जा रही है गार्ड को, गोडाउन पर जो वॉचमैन है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट है 5, ऑब्सलेंस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज। अब आपने जो भी प्रोडक्ट वहां पर लोड करवाया है या फिर अपने गोडाउन में रखवाया है, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो ऑब्सलेंस हो गई, स्पॉइलेज होगा, वेस्टेज होगा। जैसे कि आप पेट्रोल की ही बात कर लीजिए, आप उसको कितना भी सिक्योर क्यों ना कर लें, वो थोड़ा बहुत पेट्रोल उसको खत्म हो गई। बोलते हैं कि पेट्रोल लीक करता है, वो थोड़ा उड़ जाता है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो इसमें जो भी आपका लॉस होता है, हम तो लॉस होने में जो भी कॉस्ट राइज हो रही है, वो कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगी। तो हमें इन्वेंट्री इन विच ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो हमारी जो इन्वेंट्री है, जिसमें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए, वो हमारा ऑप्टिमल ऑर्डर साइज कहलाता है, जिसको हम ईओक्यू भी बोलते हैं। इट मींस, अगर आपको अपना ईओक्यू अच्छा करना है, तो आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, आपको दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट,
एंड कैरिंग कॉस्ट, आपको ये दोनों मिनिमाइज करनी होंगी। जितना ये मिनिमाइज होंगी उतना ही आपका ईओक्यू अच्छा माना जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों में ही क्या है, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, तो आप कोशिश करोगे कि आपके एक्सपेंस जो जितने भी हैं वो कम हो। तो एक्सपेंसेस कम होंगे तो इन्वेंट्री क्या होगी, गुड होगी। इन्वेंट्री गुड होगी, उसका जो आप कंट्रोल करके रख रहे हैं वो आपका अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप पे ज्यादा बचेगा, आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका लॉस की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि ईओक्यू हमारा बेस्ट होना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। अगर उसका ईओक्यू बेस्ट है तो कंपनी अच्छा रन करती है और लॉन्ग टाइम तक रन करती है। हम बोल सकते हैं कि ईओक्यू वो ऑप्टिमल ऑर्डर साइज होता है जिसके अंदर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की जो भी कॉस्ट है वो लोएस्ट निकल कर आती है, और इसके एक्सपेक्ट में हमें जो कैरिंग कॉस्ट और लोडिंग कॉस्ट है हमारी वो एक्सपेक्टेड हमारी कम होनी चाहिए। क्योंकि जितनी वो हमारी कम होगी उतना ही हमारा ईओक्यू अच्छा माना जाएगा। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 × A × CP / CH का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर आप ए और सीपी जो है वो आपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन जो भी आप मानोगे उसको आपको नीचे डिफाइन करना पड़ेगा। कई लोग यहाँ पर 2 × A × ऑर्डर ऑर्डर के लिए ओ यूज करते हैं और अपॉन में वो एच या सी यूज करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, लेकिन आप जिससे भी डिनोट कर रहे हैं आपको नीचे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है सीपी, सीपी को मैंने माना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो मैंने लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ही ऑर्डर। और सी एच को माना है मैंने होल्डिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो आपको नीचे मेंशन करना होगा, फिर आपको उसको डिवाइड कर देना है। इस तरह से बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इस तरह से आपका ईओक्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो देखिए आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी बीच में, बहुत जहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ लोएस्ट टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, और नीचे आप ईओक्यू लिखा देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर ये दो लाइन जो है सी एच एंड सी पी की, वो दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। और देखिए जो बीच में जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट हमारा ईओक्यू कहलाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हमारा ईओक्यू सॉरी जिस पॉइंट पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट हमारा ऑप्टिमल साइज कहलाता है या फिर ईओक्यू कहलाता है। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा डायग्राम से, जहाँ पर यहाँ पर सी एच निकल रहे हैं, सी एच हमारा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्यू अपॉन टू, और सी पी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए अपॉन क्यू। तो आप इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा ईओक्यू कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस किया तो ड्रॉबैक्स को बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो तीन ड्रॉबैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि उस पर लिप करना बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली हम देखें तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ईओक्यू के ड्रॉबैक में फर्स्ट है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। ये बोल रहा है कि जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द ईयर, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म नहीं हो सकते, कभी उसकी डिमांड अप होगी तो कभी उसकी डाउन होगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो हमेशा कांस्टेंट रहे उसकी डिमांड। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक है ईओक्यू का। सेकंड ये बोलता है कि मटेरियल का जो प्राइस है और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सब कुछ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब सब चीज कॉन्स्टेंट रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता फ्रेंड्स कि जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस भी सेम रहे हमेशा, कैरिंग कॉस्ट भी सेम रहे, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम रहे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि कभी इंश्योरेंस में आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ जाए, या फिर कभी जो आपने गोडाउन में जो क्लाइंट रखा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि गोडाउन में जो आपने वॉचमैन रखा है कभी आपको उसको सैलरी इंक्रीज भी करनी होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो आपने स्टार्टिंग में जिस सैलरी पे रखा था वो आगे तक 2-3 साल तक वो वही सैलरी ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रॉ मटेरियल आज जिस प्राइस में मिल रहा है, अगर हम 6-7 महीनों की बात करें तो उसके बाद भी आपको प्राइस उसी में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हम सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं कि ये भी ईओक्यू का ड्रॉबैक है। थर्ड है दिस थ्योरी अज्यूम सप्लाई ऑफ मटेरियल इज स्ट्रिक्टली इन टाइम व्हिच इज नॉट एब्सोल्यूट एंड टाइम।
एंड रियल। इस थ्योरी में ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी मटेरियल की जो सप्लाई है वो ऑन टाइम हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई करें और वो ऑन टाइम हो जाए। कभी ना कभी किसी न किसी तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। कभी किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी हो गई, या फिर डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, या फिर डिमांड ही कम हो गई, या हम ये बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया, मशीन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये हम बोले कि हमेशा वो सप्लाई उसकी ऑन टाइम ही रहेगी, ये हम कहना मुश्किल है। हम ये बोल सकते हैं कि मोस्टली होती है तो हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा मोस्टली वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये ईओक्यू के ड्रॉबैक हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ईओक्यू समझ में आ गया होगा। अगर हम जल्दी से इसका रिविजन करें तो ईओक्यू के मतलब वही है कि जहाँ पर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हम जब मिनिमाइज करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज ईओक्यू। तो दैट पॉइंट इज नोन एज ईओक्यू। तो अब हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो हम ये बोलें कि अगर इसका ड्रॉबैक जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, इसकी डिमांड वो इम्पॉसिबल है, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट रहते हैं, ये भी इसके लिए गलत है, और अगर हम ये बोलें कि इसकी जो सप्लाई होती है वो ऑन टाइम होती है, ये भी गलत है। तो ये 3 इसके ड्रॉबैक थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके कोई और रिक्वेस्ट है या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी क्वालिटेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।